नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर्स से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से रूबरू कराना है, जो अक्सर UPSC, PSC, SSC, IES, PO, UGC NET, CDS, बैंकिंग और रेलवे आदि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रकृति को समझना सरल होगा। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साइबर खतरे के मद्देनज़र किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? परमाणु समझौते को लेकर किन दो देशों के बीच तनातनी जारी है? किस भारतीय सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी? और RBI ने ई भुगतान प्रणाली के लिए क्या जारी किया है, आदि क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर खतरे के मद्देनज़र किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी साइबर हमले की स्थिति में अमरीकी कंप्यूटर्स को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ट्रंप के इस आदेश के तहत अमरीकी कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने आदेश में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कदम विशेष तौर पर चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवावे को लेकर उठाया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस इस्लामिक देश में विशेषाधिकृत इकामा योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार ने पहली बार एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है जिसे कुछ खास प्रवासी वहां अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और बिना किसी सऊदी स्पॉन्सर के अपने परिवार के साथ निवास कर सकते हैं। विशेषाधिकृत इकामा नामक इस योजना के तहत स्थायी निवास योजना का प्रस्ताव है, जिसमें खास दक्षता वाले लोग सालाना आधार पर निवास का रिन्यू कर सकते हैं। सऊदी अरब के इस फैसले का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को विस्तार देने और घरेलू खर्च को बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के निवेश को आकर्षित करना है। ज्ञात हो कि सऊदी अरब एक पश्चिमी एशियाई रेगिस्तानी देश है जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। यह लाल सागर और फारसी खाड़ी तट से लगता है। सऊदी अरब भौगोलिक रूप से मध्य पूर्व में सबसे बड़ा संप्रभु राज्य है। सऊदी अरब एशिया का 5वां सबसे बड़ा और विश्व का 12वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु समझौते को लेकर किन दो देशों के बीच तनातनी जारी है? ऑप्शन ए अमेरिका रूस, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ईरान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका और ईरान। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। ज्ञात हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए 1,20,000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ईरान परमाणु समझौते को अस्वीकृत करते रहे हैं, तो वहीं अब ईरान भी समझौते के तहत अपने कुछ दायित्वों का पालन बंद करने की धमकी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून 2019 में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समकक्ष मून जे इन के साथ मुलाकात करने के लिए जून में दक्षिण कोरिया जाएंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य कोरिया को अपने परमाणु हथियारों के शस्त्रागार को खत्म करने के लिए प्रयास करना है। फरवरी में हनोई में ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनके बीच शिखर सम्मेलन के बाद यह दोनों नेताओं की दूसरी बैठक होगी। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए सशस्त्र बल, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी नौसेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नौसेना।
दोस्तों नौसेना स्नातक के बाद अधिकारियों के सीधे चयन के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। अभी उम्मीदवारों को कुछ प्रविष्टियों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर सेवा चयन बोर्ड SSB द्वारा साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। क्वेश्चन नंबर 6, ITC लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए हरदीप सिंह, ऑप्शन बी अरुण शर्मा, ऑप्शन सी संजीव पुरी और ऑप्शन डी नवदीप सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संजीव पुरी। FMCG क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ITC लिमिटेड ने संजीव पुरी को तत्काल प्रभाव से अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें YC देवेश्वर के निधन के बाद नियुक्त किया गया है, जो अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। क्वेश्चन नंबर 7, RBI ने ई भुगतान प्रणाली के लिए क्या जारी किया है? ऑप्शन ए कैशवे, ऑप्शन बी ई भुगतान, ऑप्शन सी विजन डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजन डॉक्यूमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सुरक्षित सुविधाजनक त्वरित और सस्ती ई भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज को भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-2021 नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2019-21 की अवधि के दौरान इस विजन में उल्लेखित दृष्टिकोण को लागू करेगा, साथ ही भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा के प्रति नो कॉम्प्रोमाइज दृष्टिकोण पर कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने विकिपीडिया के सभी भाषा संस्करणों को ब्लॉक किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हाल ही में चीन ने विकिपीडिया के सभी भाषा संस्करणों को शामिल करके अपनी ब्लॉक प्रणाली को व्यापक बनाया है। ओपन ऑब्जर्वेटरी ऑफ नेटवर्क इंटरफेरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पिछले महीने विकिपीडिया के सभी भाषा संस्करणों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है। पहले चीनी भाषा संस्करण के अलावा विकिपीडिया के अधिकांश संस्करण उपलब्ध थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने जून 2019 के अंत में कृत्रिम वर्षा करवाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में आई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इस साल वर्षा में कमी आ सकती है, जिसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने जून 2019 के अंत में राज्य में कृत्रिम वर्षा करवाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना की लागत लगभग 88 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक आकलन रिपोर्ट में किस क्षेत्र की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है? ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन ए खाड़ी देश, ऑप्शन बी एशिया प्रशांत, ऑप्शन सी यूरोपीय क्षेत्र और ऑप्शन डी एशियाई क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एशिया प्रशांत। दोस्तों हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वैश्विक आकलन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न नए और बड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से एशिया प्रशांत के जापान, चीन, कोरिया और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।